दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। नंबर ऑफ लाइसेंसीज होंगे कितना बस मैक्सिमम? देखिए ये मार्केट ड्रिवन है, सो जिस जिसको लगेगा कि देयर इज अ मार्केट फॉर, वो सभी लाइसेंस लेने के लिए आएंगे। दिल्ली सुधार, कौन सा ये? मुझे आइडिया नहीं, मैं चेक करके बता देता हूँ। थैंक यू। तो सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, उनकी तरफ से कहना है कि मार्केट में जैसे लोग सामान खरीदेंगे उसकी उपलब्धि यहाँ पे दी जाएगी। तो सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो भी पत्रकार थे उनके सवालों का जवाब यहाँ पे सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया जा रहा था। आगे भी आपको सुनवाएंगे क्या कुछ वो कह रही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको जानकारी दे रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल आने वाले त्योहारों में किस तरीके से उपयोग करना है, त्योहारों में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसको लेकर जानकारी दे रहे थे और मीडिया के जो भी बंधु हैं उनके प्रश्नों के जवाब भी उनकी तरफ से दिए जा रहे थे। पच्चीस मई को अप्रूव कर चुके हैं तो उसमें बहुत माइनर चेंजेस हैं। मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब इसको अब जल्दी अप्रूव कर देंगे और अब दिल्ली पूरे देश का पहला शहर होगा जहां पे इस किस्म की बस एग्रीगेटेड, प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम आ रही है। और मेरा अपना मानना है इससे दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक भी कम होगा, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, वर्ल्ड लेवल का ट्रांसपोर्ट मिलेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। आज एक और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली अकेला शहर था पूरे देश में, अकेला राज्य था जब कोविड के समय में हमने देखा कितनी तकलीफ हुई थी, लेकिन उस वक्त भी कई कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के दिल्ली के लोगों की सेवा की थी। जो कोरोना वॉरियर्स शहीद हो गए, ऐसे लोगों को दिल्ली अकेला राज्य है जिसने 1-1 करोड़ रुपए की उनकी शहादत का सम्मान करते हुए उनके परिवार को, मैं, मेरे मंत्रीगण, उनके घर जा जाके हम उनको 1-1 करोड़ रुपए का चेक दे के आए थे। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वॉलंटियर्स हैं। अभी पिछली जो मीटिंग हुई इसका एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जो अप्रूव करता है, उसमें दो नाम और अप्रूव किए गए हैं। एक श्री सतपाल हैं जो नर्सिंग ऑर्डरली थे, वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल स्टोर साकेत में जो हाई रिस्क जोन था वहां से 40 डिस्पेंसरीज के लिए दवाइयां भेजा करते थे, जहां से हजारों हेल्थ वर्कर्स और पेशेंट्स के लिए दवाइयां जाती थी। उनको अपना काम करते वक्त कोरोना हो गया और 28 नवंबर 2020 को उनकी शहादत हो गई। इसी तरह से एक कांस्टेबल अमित कुमार हैं दिल्ली पुलिस के, भरतनगर पुलिस स्टेशन में लॉकडाउन के तहत जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो दीप चंद बंधु अस्पताल के आसपास बहुत हाई रिस्क एरिया का जो कंटेनमेंट जोन था वहां इनकी ड्यूटी लगी थी। वहां कई पेशेंट्स आते थे, उनको भी वहां पे कोरोना हो गया और 5 मई को 2020 को इनकी शहादत हो गई। इन दोनों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि अभी अप्रूव की है। तो ओवरऑल अभी तक हम 92 कोरोना वॉरियर्स को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दे चुके हैं, अप्रूव कर चुके हैं। 92 करोड़ रुपए हम इन 92 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को दे चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं इनकी आत्मा को शांत, भगवान से प्रार्थना करता हूं शांति मिले और हम पूरी तरह से इनके परिवार की जो भी जरूरत पड़ेगी मदद करेंगे। सो इन दोनों मुद्दों पे अगर आपके कोई प्रश्न है तो। सर पहला सवाल ये, लास्ट टाइम जब आपने जैसे मेंशन किया कि जब ये पॉलिसी लेके आए थे बीजेपी ने बहुत हंगामा किया, एनसीपी तक पहुंचा, तो क्या कोई सर्टेन ट्वीट्स आपने किए हैं कि इस बार फिर से पॉलिसी उस जो इन्वेस्टिगेटिव, अब एक्चुअली केंद्र सरकार ने अपने मोटर व्हीकल्स एक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस करने के बाद उन्होंने कुछ एक खाका तैयार किया है कि ऐसे बनाई जा सकती है। तो केंद्र सरकार के जो चेंजेस हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट में उसको ध्यान में रखते हुए हमने पॉलिसी बनाई है। पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो हमने अपनी सोच के हिसाब से बनाई थी, मुझे लगता है वो पॉलिसी केंद्र सरकार ने भी देखी थी, उन्होंने इंटरनली तारीफ भी की थी, तो उसको देखते हुए हो सकता है उन्होंने बाद में सब्सिक्वेंटली मोटर व्हीकल्स एक्ट में अमेंडमेंट किया हूं। सर
इंडिया अलायंस को लेकर अखिलेश यादव का एक बड़ा आज उस पर नहीं चलता। ये अब मैं समझता हूँ जैसे ही एलजी साहब क्लियर कर देंगे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद लोग लाइसेंस के लिए उसके 90 डेज के अंदर उसके 90 डेज के अंदर ये लागू हो जाएगा। सर कोई टारगेट भी है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसेंसीज होंगे, कितना बस? देखिए ये मार्केट ड्रिवन है, सो जिस जिसको लगेगा कि देयर इज अ मार्केट फॉर वो सभी लाइसेंस लेने के लिए आएंगे। सर ये सवाल ये है कि राष्ट्रपति ने दिल्ली सुधार बिल को वापस कर दिया है। दिल्ली सुधार ये 2022 में दिल्ली सरकार ने पास करके भेजा था विधानसभा से, वो राष्ट्रपति ने वापस कर दिया है। कौन सा? मुझे आइडिया नहीं, मैं चेक करके बता देता हूँ। थैंक यू। तो सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप कि किस तरीके से उन्होंने दो स्कीम बताए। पहला कि जो कोरोना वॉरियर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवाई ड्यूरिंग कोरोना, तब उनको दिल्ली सरकार पहला ऐसा राज्य बना है जहां पे उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए धनराशि दी है उनकी शहादत में। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बस को किस तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी, लोगों को भी यात्रा करने में आरामदायक होगा।